बॉलीवुड में हमेशा ही अपनी एक्टिंग और बॉडी की वजह से मशहूर अभिनेता सोनू सूद जितना उनकी एक्टिंग की वजह से मशहूर है, उससे भी कई ज्यादा वो उनके समाज कार्य की वजह से मशहूर है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना काल में भी देखने को मिला। सोनू सूद हमेशा ही असहाय लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अब एक बार और उनकी नेक दिली देखने को मिली जब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त 16 महीने के विहान अकुलवार की मदद के लिए शहरवासियों का साथ देने का आह्वान बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने किया। इस वक्त उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से 16 करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में हमारी संवाददाता ने बात की खुद सोनू सूद से। आइए डालते हैं एक नजर। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय दिशा सभी का स्वागत करती हूँ वीकेबी न्यूज प्रेजेंट बॉलीवुड गपशप में। और आज हमारे साथ ऐसे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिनकी मतलब इंसानियत की अगर मिसाल कहते हैं, हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए अवेलेबल ये रहते हैं। और आज हमारे साथ सोनू सूद जी है। बहुत बहुत स्वागत सर हमारा बॉलीवुड गपशप में जो वीकेबी न्यूज की ओर से प्रेजेंट की गई है। कहीं ना कहीं आप एक नागपुर की लड़की को, विहान को आप हेल्प कर रहे हैं, नागपुर से आपका जुड़ाव रहा है। कंप्लीट प्रोसीजर क्या थी, क्या बताएंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की शुरुआत जो कुछ सीखा मैंने नागपुर से ही सीखा, और ये भी सीखा कि नागपुर के लोग जब एक चीज़ ठान लेते हैं तो उसे पूरा ज़रूर करते हैं। आज हमारे नागपुर के एक छोटे से बच्चे को उम्मीद है कि नागपुर वापस जुड़ेगा उसके लिए और उसकी जान बचाएगा। और ये हमें जुड़ना है और दिखाना है कि जब नागपुर में कोई भी तकलीफ आती है तो किस तरह नागपुर एक साथ होकर सब ठीक करता और हम लोग ठीक करके छोड़ेंगे उसे। कहीं ना कहीं नागपुर से जुड़ाव रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये आपके लिए भी क्रूशियल है कि नागपुर का ही बच्चा है, उसको आपको हेल्प करनी है, क्या बताएंगे आप इसमें? मैं ये कहूँगा कि करना है, वो तो अभी चैलेंज है और अभी तक ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसको नहीं पूरा कर पाए, तो ये भी पूरा करेंगे 100%। और एक बीड़ा उठाया है तो उसको मंजिल तक लेकर जाना ज़रूरी है। बट मज़ा इस बात का है कि इस बार नागपुर वाले हमारे साथ हैं, हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं, तो सफ़र आसान रहेगा और मज़ेदार रहेगा। सर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यूजुअली लोग जो लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहा है वो पॉलिटिकल या फिर किसी चीज़ से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इज इट लाइक कि सोनू सूद को भी इस चीज़ से जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल वैसे भी आ चुके हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में आ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप किसी मिलते हैं तो उससे लोग नाम जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एज एन एक्टर मुझे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। समाज सेवा के लिए अभी कुछ बहुत करना बाकी है। 2 साल में तो मैंने सीखा है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अभी आना बाकी है। सो अभी लंबी ज़िंदगी है, लंबा सफ़र है, पता नहीं आगे क्या होना है, क्या लिखा है, लेकिन अभी तो सिर्फ लोगों से जुड़ना है और लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। नागपुर करों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ, जब भी नागपुर में आते हो आपको अच्छा लगता है कि इस वाइब बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा समय आपने बिताया। सारे नागपुर करों को आप एक क्या मैसेज दोगे स्पेशल? मैं नागपुर वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप पहले भी कमाल के थे, अभी भी कमाल के हैं और हमेशा कमाल के रहेंगे। ऐसे ही दुआएँ बना के रखिएगा और हम बार बार ये दिखा चुके हैं कि जब नागपुर इकट्ठा होता है तो ज़िंदगी का बड़े से बड़े मकसद, जो मुश्किलें होती हैं, हम लोग उसे हल करते हैं। और अभी एक नया मिशन है नागपुर के पास, विहान को बचाना, और हम मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि नागपुर हमेशा जैसे हमेशा जुड़ा है, इस बार वापस हमारे साथ जुड़ कर ये मिशन भी पूरा करेंगे और हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। हमेशा खुश रहिए और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD College Square, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर।